हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दशहरा पर 10 लाइन निबंध। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो का आरंभ करते हैं। दशहरा नंबर वन। दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में दसवें दिन दशहरा का यह पावन त्योहार मनाया जाता है। नंबर थ्री। दशहरा को विजयदशमी भी कहते हैं। नंबर फोर। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का और देवी दुर्गा माता ने महिषासुर का वध
किया था। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स सॉरी नंबर फाइव, नंबर फाइव इस दिन देश भर में रामलीला और मेलों का आयोजन किया जाता है। नंबर सिक्स, इस दिन लोग रावण के पुतले को जलाते हैं। नंबर सेवन, दशहरे के दिन स्कूल कॉलेज और सभी संस्थाओं में अवकाश रहता है। नंबर एट, नए कार्य का आरंभ इस दिन किया जाता है। नंबर नाइन, इस दिन लोग शस्त्र पूजा और वाहन पूजा भी करते हैं। नंबर टेन, यह त्योहार
बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। सो लेट्स रीड। हमारा आज का विषय था दशहरा। नंबर वन, दशहरा हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। नंबर टू, यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में दसवें दिन दशहरा का यह पावन त्योहार मनाया जाता है। नंबर थ्री, दशहरे को विजयादशमी भी कहते हैं। नंबर फोर, दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का और देवी दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। नंबर फाइव, इस दिन देश भर में रामलीला और मेलों का आयोजन किया जाता है। नंबर सिक्स, इस दिन लोग रावण के पुतले को जलाते हैं। नंबर सेवन, दशहरे के दिन स्कूल, कॉलेज और सभी संस्थाओं में अवकाश रहता है। नंबर एट, नए कार्य का आरंभ इसी दिन किया जाता है। नंबर नाइन, इस दिन लोग शस्त्र पूजा और वाहन पूजा भी करते हैं। नंबर टेन, यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।